नमस्ते एवरीवन, वेलकम इन एंकीज वर्ल्ड। गाइस, आज मॉर्निंग की क्लासेस मैं सारी ले चुकी हूँ और आज मेरा नेफ्यू आने वाला है एंड आई एम वेटिंग। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ और आज हम खूब सारी मस्ती करने वाले हैं, आप लोग भी देखिएगा। सो अभी के लिए बाय बाय। गुन्नू आ गया है, हम उसे लेने नीचे आए हैं और उसके थोड़े से रिएक्शन देखने वाले हैं कि कैसे रहते हैं। आओ बेटा, पिंकी मासी तो है नहीं, आ जाओ। पिंकी मासी तो है नहीं, शाम को आएगी। आओ आओ, मैं हूँ, आ जाओ। घर आते ही हमने सबसे पहले किया हैंड वॉश, एज आई एम वेरी हाइजीनिक पर्सन। उसके बाद हमने पी है कोल्ड कॉफी, ये देखो चॉकलेट सिरप के साथ। मिक्स करें। करो। तो गाइस देखो, ये लाइट हो रही है। फिर खूब मस्ती करने के बाद मैं इतनी थक गई कि मुझे नींद आने लग गई। लाइट ऑफ करके जब मैं सोने के लिए इसे बोला तो कुछ इस तरीके से गुन्नू सोया। खूब मिन्नतें करने के बाद भी जब गुन्नू नहीं सोया तो फिर हमने डिसाइड किया, लेट इट बी, जो इसे करना है। और इसको चाहिए था मोबाइल जिसमें इसको देखने थे कार्टून्स और ये इसी के साथ खुश था। उसे फ़ोन देने के बाद फाइनली मैंने आधे घंटे का नैप लिया एंड सी कितना डेडिकेशन के साथ ये फ़ोन देख रहा है, जैसे पता नहीं कितनी नॉलेज वाली चीज़ देख रहा हो। क्यूटी। फ़ोन चलाने के बाद गुन्नू को लगी दोबारा भूख और हम गए हैं मिल्क लेने के लिए। और मेरे साथ नीचे गया है, वो केला ऊपर नहीं रहा। उसके बाद उसने मिल्क में पता नहीं अपने आप से ही कोई डिश बनाई है चॉकलेट मिला के, और उसके बाद में मुसा जी की हेल्प करते हुए, और ये खुद पी रहा है। गुन्नू नहीं, आप आपके लिए सेफ नहीं है इतना पीना, रुको। उसके बाद हम गए हैं गुन्नू की शॉपिंग करने के लिए, उसके लिए सैंडल्स लेने थे और ये वाले मुझे पसंद आए जो कि हमने ले लिए। गुन्नू कैसे लगे आपको? गुन्नू ने बहुत सारे देखे और वो कंफ्यूज है, बट ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद हम गए हैं कुछ खाने पीने के लिए बैठो, और यहाँ पे हम आए हैं गुन्नू की फरमाइश से पिज्जा खाने के लिए, जो मुझे बहुत ही जमा हो गए खाए हुए। तो चलो आज हम भी खाते हैं। और गुन्नू ने ऑर्डर किया पिज्जा और अब वो बहुत वेट कर, जब तक हमें पिज्जा नहीं मिला तब तक यहीं खड़ा था और वेट कर रहा था कि मुझे जल्दी से पिज्जा मिले और मैं खाऊं। और ये पेमेंट करते हुए हमारा पिज्ज़ा आया, तब तक हमने की मस्ती, वीडियोज़ और फोटोज़ क्लिक की और साथ में क्यूट फाइट एज ऑलवेज जो हमारी होती है। देन ये अननेसेसरी इतना प्यार दिखाते हुए, पता नहीं क्या चाहिए था उसको। पिज्जा आने के बाद हमें लगी है बहुत जोर से भूख, लेकिन अनुज की जो आर्ट है वही ख़त्म नहीं हो रही और ये अनुज ने बनाई है आर्ट पिज्जा के ऊपर। और दोस्तों, अगर किसी को पिज्जा खाना नहीं आता तो वो गुन्नू से सीख सकते हैं कि कैसे पिज्जा खाते हैं। हालांकि गुन्नू की भी गलती नहीं है, ये पिज्जा इसमें जो मेयोनीज वगैरह थी वो इस तरीके से डाल रखी थी कि वो स्टे ही नहीं हो रही थी एक जगह पे, और हमारी भी हालत कुछ ऐसी थी पिज्जा खाते हुए। पिज्जा खत्म होने से पहले आई गोलगप्पों की डिमांड। घर आने के बाद ठंडा ठंडा शावर, अब हो रही है हमारी सोने की तैयारी। और ये था गाइस मेरे आज पूरे दिन का रूटीन नेफ्यू के साथ में, जिसमें कि मुझे किसी भी और काम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। थैंक यू सो मच गाइस।